यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वास खाते उदस को भी वजह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां जाया करते थे। इसलिए उदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ पहुंचा। लालटेने मशाले और हथियार लिए थे। यह जानकर कि मुझ पर क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे विश्वासघाती उदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। सुने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे चिल्ला कर बोले, यीशु नाज़री को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, जिन्हें तूने मुझे सौंपा है मैंने उनमें से एक को भी नष्ट नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चला आकर उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मार्कुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, अब
Jupiala, pitra ne mujeria, kya mese nahi hai, tab palten kaptan aur yahudiyon ke pyadon ne Yesu ko pakad kar baandh liya. वे उन्हें पहले अन्नस के पास ले गए यो हो के वहां उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था यहोवा ही कैफस था जिसने यहूदियों को ये परामर्श दिया था अच्छा है कि राष्ट्र के लिए एक मनुष्य मर जाए सिमोन पेत्रस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया किंतु पेत्रोस फाटक के पास बाहर ही खड़ा रहा इसलिए वो दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा नहीं तुम भी तो हो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाते पेत्रुस भी उनके साथ आग तापने लगा प्रधान याजक ने यीशु को उनके शिष्य और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा ये यीशु ने वो उत्तर दिया मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला मैंने सदा सभागृह और मंदिर में जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा दी है मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा ये आप मुझसे क्यों पूछते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है जानते हैं कि मैंने क्या कहा है ईश्वर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो ये सुने उससे कहा यदि मैंने गलत कहा तो गलती ही बता दो और यदि मैंने ठीक ही कहा है
Domă ce că o moarte o. Escheva Anasne bande hue esuko Radhanyaja efes ke pas peche dia Simon Petrus us samay akta prata Kuch logo ne usse kaha Kahi tum bhi to uske shishy nahi ho उसने अस्वीकार करते हुए कहा नहीं राधान्याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था उसने मैंने तुमको बारी में उसके साथ नहीं देखा था पेत्रुस ने अस्वीकार किया और उसे क्षण मुर्खे ने भाग दी तब यीशु को कैफस के यहां से राजपाल के भवन ले गए अब भोर हो गया था उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध न हो जाए बल्कि पास का खामे न खा सके पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला आप लोग इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं उन्होंने उत्तर दिया यदि कुकर्मी न होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया Pilatus ne onase kaha aap log ise le jaiye aur apni sahita ke anusar iska nyay kijiye Yahudiyon ne yeh uttar diya हमें किसी को प्राण देने का अधिकार नहीं है यह इसलिए हुआ कि यीशु का कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा क्या तुम यहूदियों के राजा हो यीशु ने उत्तर दिया क्या यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है पिलातुस ने कहा क्या मैं भी अब दे तुम
तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, तुमने क्या किया है। ये सुने ओ उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज इन संसार का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम राजा हो। येशु ने वो उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसीलिए जन्मा और इस संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं, जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी ही सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्लाने लगे, ऐसे नहीं बराबस को, बराबस तो वो डाकू था। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और बैगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहने लगे, प्रणाम यहूदियों के राजा, और वे उन्हें थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो मैं है उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। तब यीशु
कांटों का मुकुट और बैगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने उनसे हे कहा, महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह जानकर और भी डर गया। उसने फिर अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ हो? किंतु ये सुने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़ाने का भी? ये सुने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया उसका तो होश पड़ा है। समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्ला कर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसे देशी नहीं है जो अपने को राजा कहता है, वे कैसे का विरोध करता है? यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया और अपने न्यायासन पर उस जगह बैठ गया जो लिथोस्रोत कहलाती है और इब्रानी में गब्बत था। पस्काल की तैयारी का दिन था और दोपहर का समय। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम
se crosnice. Pilatos Theon se caha, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। तो उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। उन्होंने यीशु को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को और दूसरे को और बीच में है यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था। और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा था, इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यह ना लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिए, हर सैनिक को एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे न फाड़े, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे डाली।
ξενικώνει έσα οικία. Πιέτες κύματα, ως κυβέν, κλόπας και πατρί Μαρία, ορ Μαρία Μαγδηλένα, ως και κρούς και Πάσχαρη. Ιησούνε, απνήματακο, όρος και πας απνησίσικο, τζίσε βε πιάρ καρτέ τε δέκα. यीशु के साथ चढ़ाए हुए
पहले व्यक्ति की टांगे तो फोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके थे, तो उन्होंने उनके टांगे तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बहा निकला, जिसने यह देखा वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। या इसलिए कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं थोड़ी की जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार कहता है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की हो और देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के जोसेफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का जाने की अनुमति मांगी। उसने अनुमति दे से ये सुखाश निकोदिमुस भी आया, जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर गंधरस और अंगूर का संप्रेषण लाया। उन्होंने यीशु का शव लेकर यहूदियों की कफन की प्रथा के उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छाल्टी की पट्टियों में लपेटा। राधा यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में जिसमें अब कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि वह पास्का की तैयारी का दिन था और वह